तो दोस्तों कैसे हैं, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं 29 कार्ड गेम। हमने पहले भी एक गेम बनाया था इससे रिलेटेड, वो था 28 कार्ड गेम, तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ रूल उसके डिफरेंट है तो हम इसलिए पूरा गेम ही दोबारा से खेलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से पत्ते हैं हमको लेने और कौन से पत्ते नहीं लेने हैं। तो पत्ते छाटने के लिए हमें इक्का चाहिएगा, बादशाह, बेगम, गुल्ला, थैला, नौला, अट्ठा, सत्ता, मतलब इक्का से लेके हमको सत्ते तक के पत्ते, ये तो हमारे आएंगे खेलने के काम में। छह है वो जो पत्ते हैं वो आएंगे स्कोर के काम में, और जो दुक्का है वो काम में आता है कार्ड बताने के में। इस गेम के अंदर एक जॉकर भी यूज किया जाता है, वो भी कार्ड बताने के काम में आता है, तो इसलिए उसको भी हम अभी रख लेंगे। तो जो पत्ते काम में नहीं आए वो हमने अलग निकाल दिए, तिक्का, चौका, पंजा, तो ये गेम में सटा दिए हैं। तो टोटल 32 पत्ते हैं जिनको हम हाथ में रखने वाले हैं, तो इनको हम खेलने के लिए निकाल लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं गेम में पत्तों की रैंकिंग की। तो सबसे बड़ा जो होता है वो गुलाम यानी जैक बड़ा होता है, उसके बाद 9, इक्का, धैला और बादशाह, बेगम, अट्ठा, सत्ता। तो इधर वाले जो पत्ते हैं बादशाह, बेगम, अट्ठा, सत्ता, इनके कोई पॉइंट नहीं होते, ये तभी काम आते हैं सिर्फ दो रूल्स के लिए। एक तो ये पत्ते काट में हो, मतलब वो काट सके दूसरे पत्तों को, और या फिर जब इनसे मैरिज बन रही हो, तो वो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए कि मैरिज क्या है। तो गुलाम के 3 पॉइंट, 9 के 2 पॉइंट और इक्का और धैला के 1-1 पॉइंट। तो गेम पूरा पॉइंट्स के ऊपर खेला जाता है। ये जो है वो कार्ड बोलने के लिए, तो इनको हम रख लेते हैं यहाँ साइड में। इस गेम को एज ए टीम खेला जाता है, तो P1 और P3 एक टीम है, P2 और P4 एक टीम है, और ये जो पत्ते हैं मैंने बताया था स्कोर के काम में आते हैं। तो एक काला पत्ता और एक लाल पत्ता दोनों टीम्स को मिल जाएगा, और दोनों अभी अपने पास में इसको बंद करके रख लेंगे। P1 तो अपने पास इसको यहाँ रख लेता है और P2 इसको यहाँ पे रख लेता है। तो पत्ते हम शफल करेंगे, शफल करने के बाद में एक एक पत्ते करके हम चार चार पत्ते बांट देंगे, जैसे एक, और बाकी पत्तों को अभी हम साइड कर लेंगे। दोस्तों ये जो पत्ते हम खोल रहे हैं ये हमको एक्चुअल गेम में नहीं दिखाने हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ये पत्ते दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों इस गेम के अंदर कार्ट वो ही बोलता है जो सबसे ज्यादा बिड बोलेगा। बिड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर टोटल 29 पॉइंट होते हैं इस गेम के अंदर। 29 पॉइंट कैसे, 28 पॉइंट तो वो जो हमने बताए थे पॉइंट्स के हो जाएंगे, और एक पॉइंट उस प्लेयर को मिलेगा जो सबसे लास्ट हाथ बनाएगा। तो इस तरीके से 29 पॉइंट होते हैं। तो बिड बोलने का तरीका ये हो कि प्लेयर को मिनिमम 17 पॉइंट्स की बिड बोलनी पड़ेगी, मतलब उस टीम को 17 पॉइंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। जैसे पत्ते शफल किए P1 ने, तो बारी आएगी P2 की बिड बोलने की, तो उसने पास कर दिया। पास का मतलब नेक्स्ट प्लेयर के पास चला जाएगा। P3 के पास में बहुत अच्छे पत्ते आए, उसके पास में एक गुलाम आया है और एक 9 आया है पान का, दोनों ही उसके टॉप पत्ते हैं पान के, तो इसलिए ये बिड बोल देता है, और ये हम मान लेते हैं ये बिड बोल देता है 18 की। अब बात करते हैं P4 की, P4 के पास अच्छे पत्ते नहीं है, और फिर हम बात करते हैं P1 की, P1 के पास भी अच्छे पत्ते नहीं है। तो ये P3 है, उसके बाद में यदि तीनों लोगों ने पास बोल दिया, जैसे P2 ने भी फिर पास बोल दिया, तो P3 की बिड फाइनल हो जाएगी, और यदि कोई प्लेयर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है बिड, और फिर उसके बाद में एक चक्कर और लगेगा सभी प्लेयर्स के पास में। दोस्तों यदि किसी गेम के अंदर चारों ही प्लेयर पास बोल देते हैं, बिड नहीं बोलते हैं, तो पत्ते दोबारा से सफल होंगे और दोबारा बढ़ जाएंगे। P3 ने बिड 18 पॉइंट्स की बोल दी है, तो P3 क्या करेगा, ये जो चार पत्ते कार्ट के डिसाइड करने वाले रखे हुए हैं उनको खोलेगा, और जिसमें भी उसको कार्ट बोली है उसको वो नीचे रख लेगा। यदि P3 चाहता कि मेरे पास पत्ते अच्छे हैं लेकिन मैं कोई कार्ट नहीं डिसाइड करना चाहता, बिना कार्ट के गेम होगा, तो वो जॉकर नीचे रख देता। दोस्तों ये गेम में इसलिए होता है कि कोई भी प्लेयर चीटिंग नहीं करे, क्योंकि कार्ट है जो बीच में खुलती है, मतलब खुलवानी पड़ती है दूसरे प्लेयर को। गेम के अंदर चीटिंग ना हो इसलिए दुक्की यूज की जाती है। बाकी चारों पत्ते भी हम बांट देंगे, वो भी एक एक करके ही बांटने हैं हमको। अब दोस्तों इस गेम की एक खास बात और है कि जिड कोई भी प्लेयर बोले, लेकिन जो पहला टर्न आएगा चलने का वो P2 का ही आएगा, क्योंकि उसी ने पत्ते उठाए थे, तो अब वो पता चलता है। तो जैसे मान लो उसने बेगम चल दी चिड़ी की, तो चिड़ी की बेगम चल दी, अब इसके पास में चिड़ी का गुलाम है P3 के पास में, तो वो उसको चल देगा, तो और ये हाईएस्ट पत्ता होता है गुलाम, तो ये P3 का बन रहा है। यदि जैसे चाल चल रही है उस चिड़ी की, तो सभी प्लेयर्स को चिड़ी चलनी पड़ेगी, और यदि उनके पास में चिड़ी नहीं है तो फिर वो कार्ड खुलवा सकते हैं गेम के अंदर। तो अब जैसे उसके पास में एक नौला है और एक इक्का है, उसको पता है ये मेरा नहीं बनेगा, इसलिए वो कम से कम पॉइंट दूसरे प्लेयर को देगा, इक्के का एक ही पॉइंट होता है, तो ये चल देगा, और इसके पास में ये अट्ठा चल देगा, तो ये हाथ बन गया है P3 और P1 की टीम का, तो इसको वो अपने पास रख लेंगे। चूंकि हाथ बना है P3 का, तो बारी उसी की है दोबारा चलने की। ईट की बेगम, इसके पास में ईट में इस बेगम से बड़ा पत्ता है ईट की दहली, और इसके पास में दहली से भी बड़ा पत्ता है 9, तो ये 9 बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास में P2 के पास में गुलाम है,
तो इसलिए गुलाम से बन गया। तो ये हाथ बन गया है P2 का। अब P2 चलता है ईंट की हट्टी। अब P3 के पास में ईंट नहीं है तो अब उसको काट बतानी पड़ेगी कि मैंने क्या काट लगाई थी। तो पान की काट ओपन हो गई है। अब पान की काट है तो अब ये इससे प्लेयर इसको काट लेगा पान से, और ये काटने के बाद में इसने यहाँ काट ईंट का इक्का डाल देगा। तो इस तरीके से ये वाला जो हाथ है वो P3 की टीम का बन गया। तो ये गेम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो गेम में अब जो लास्ट हाथ है वो बनाया है P3 ने, तो उसको एक पॉइंट तो एक्स्ट्रा मिल ही गया। तो अब काउंटिंग है बचे कुचे पॉइंट्स की। तो P3 ने बिड बोली थी इसलिए हम P3 के पॉइंट्स गिन लेते हैं कि उसके पास कितने पॉइंट्स आए हैं। तो पॉइंट्स गिनने के लिए सबसे पहले हमको जो पॉइंट वाले पत्ते हैं उनको अलग करना पड़ेगा, तो उनको हम कर लेते हैं। जैसे ये इक्के के पॉइंट्स है, नौ के पॉइंट्स है, धैला इक्का गुल्ला और ये नौ, इनके सबके पॉइंट्स हैं। और धैला का एक एक पॉइंट है, तो एक दो तीन चार और पाँच पॉइंट्स। नौ के दो पॉइंट है, तो पाँच और दो सात और दो नौ और दो ग्यारह। और गुलाम के अपने तीन तीन पॉइंट है, तो ग्यारह और तीन चौदह और तीन सत्रह। तो सत्रह पॉइंट्स तो उनके पत्ते के हो गए हैं, और एक पॉइंट उन्होंने लास्ट हाथ बनाया था इसलिए मिला P1 और P3 की टीम को। तो उनके टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 18, और उन्होंने बिड भी बोली थी 18, तो इसलिए वो जीत गए हैं इस गेम को। तो स्कोर कैसे लिखते हैं? तो इसमें स्कोर लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसके लिए पेन कॉपी या फिर काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती। ये काला है और ये एक लाल है। तो स्कोर के पत्ते उन्हीं प्लेयर्स के खुलेंगे जिसने बिड बोली है। तो बिड किसने बोली है? P3 और P1 ने। तो स्कोर के पत्ते उन्हीं के खुले, और वो जीते हैं तो लाल वाला खुल जाएगा, और यदि वो हारते तो काला वाला खुल जाएगा। तो ये अब इस तरीके से पूरे गेम में रखा रहेगा। अब मान लेते हैं हम नेक्स्ट गेम के अंदर P2 और P4 बिड बोल देते हैं, तो उनके पत्तों पे स्कोर दिखाई देगा। अब गेम लास्ट कब होता है कि या तो किसी टीम का पूरा लाल वाला दिख जाए, या फिर किसी टीम का पूरा काला वाला पोर्शन दिख जाए। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब वो छः गेम हार जाए। इस तरीके से हार और जीत डिसाइड होती है। गेम में एक रूल और होता है सिंगल एंड। यदि कोई भी प्लेयर अपने जब आठों पत्ते देख लेता है, और आठों पत्ते देखने के बाद कहता है कि नहीं पूरे के पूरे आठ हाथ मैं बनाऊंगा, तो काट भी उसी के हिसाब से चलती है और गेम फिर उसी के हिसाब से चलता है। यदि वो आठ हाथ लगातार बना लेता है तो एक साथ उस टीम को तीन पॉइंट्स पॉजिटिव में मिलेंगे, और यदि वो नहीं बना पाते तो उनको तीन पॉइंट्स उनके नेगेटिव में हो जाएंगे। दूसरा एक और रूल जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चलता है वो होता है मैरिज। तो गेम में मैरिज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है कि यदि मान लो जैसे ही कार्ट ओपन हो गई, जैसे ये कार्ट ओपन हो गई थी पान की, और पान की कार्ट ओपन होने के बाद में किसी प्लेयर को ऐसा लगता है कि उसके पास में उस कार्ट के बादशाह और बेगम है, जैसे P2 के पास में इसके बादशाह और बेगम है। गेम के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाता है। तो बादशाह बेगम बताने का एक तरीका होता है कि पहले प्लेयर को अपना एक हाथ बनाना पड़ता है, और वो हाथ बादशाह या बेगम में से किसी में से नहीं बना होना चाहिए, किसी तीसरे पत्ते से बना होना चाहिए। फिर वो प्लेयर्स को दिखाएगा कि मेरे पास बादशाह और बेगम है। अब चूंकि ये जो बादशाह बेगम है वो अपोजिशन टीम के पास आ गए हैं, बिड बोली थी P1 और P3 ने, तो वो जो बिड बोली थी उन्होंने 18 पॉइंट की, वो 4 पॉइंट्स बढ़ के 22 पॉइंट की हो जाएगी। तो ये बादशाह बेगम का पेयर 4 पॉइंट्स की बिड को बढ़ा देता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये बादशाह बेगम की बिड जो है वो P1 P3 के पास ही आ गई होती, तो इससे उनको फायदा होता। फायदा भी उसी तरीके से होता कि पहले उनको एक हाथ बनाना होता, हाथ बनाने के बाद उनको दिखाना होता कि मेरे पास बादशाह बेगम है, तो उनकी बिड 4 कम हो जाती, मतलब उनको 4 पॉइंट्स कम लेने होते। लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो जो बिड है वो 17 पॉइंट से कम नहीं हो सकती, मतलब 18 की 14 होती लेकिन 14 नहीं होगी, 17 पॉइंट्स रह जाएगी। तो दोस्तों हमको इस गेम में यही याद रखना है कि 28 तो पॉइंट होते हैं वो पत्तों के होते हैं, और एक पॉइंट उसका होता है जिसने लास्ट गेम बनाया था। तो हमारे वाले गेम में P1 और P3 ने बनाया था, तो उसको प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा मिला था। आपको कैसा लगा गेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई परेशानी हो तो लिख भेजिएगा, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।